क्या आप भी क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो? वेल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऑफकोर्स करते होंगे, और शायद अभी आपके कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप में कोई ना कोई क्रैक सॉफ्टवेयर ज़रूर इंस्टॉल होगा और आप उसे इस्तेमाल भी करते हैं। तो अगर भैया आप क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो या फिर इन फ्यूचर अगर आप किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करते हो और उसे इस्तेमाल करते हो, तो भैया ऐसे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता हो नीचे क्रैक सॉफ्टवेयर को लेके, कि अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हो तो उससे आपके कंप्यूटर सिस्टम या फिर लैपटॉप सिस्टम को क्या क्या नुकसान झेलना पड़ सकता है, और एक क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना कितना सेफ है। वेल, ये सब चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूं। हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज सारू और टेक्नोलॉजी के चैनल में आपका स्वागत है। देखो यार, क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना कितना हानिकारक हो सकता है, ये जानने से पहले आइए थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि आखिर में ये क्रैक सॉफ्टवेयर होता क्या है। देखो यार, अगर आप किसी भी इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो और वो सॉफ्टवेयर पेड है, यानी उसके फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो अगर आप उस सॉफ्टवेयर को कुछ मॉडिफिकेशन करके, उसमें कुछ बदलाव करके या फिर उसके किसी भी पार्ट को डिलीट करके, उसके फीचर को डिसेबल यानी रोक के अगर आप उस सॉफ्टवेयर को फ्री में इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे में उस सॉफ्टवेयर को हम क्रैक सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये मैंने आपको सिंपल में बता दिया। और ऐसे सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट में कई सारे मिल जाएंगे, और इंडिया में तो मतलब लगभग सभी लोग ही कभी ना कभी क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। भैया ऐसे में पैसे कौन देना चाहेगा? जो चीज़ फ्री में हमें मिल रही है, क्रैक मिल रहा है, तो भैया उसकी जगह पे पैसे कौन दे? तो यार, यहाँ पे बहुत से लोगों को क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करना तो आता है, लेकिन उन्हें उसके जो डिसएडवांटेज है, उसके जो नुकसान है, वो किसी को नहीं पता। तो ऐसे में अगर आप क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो तो आपको उसके डिसएडवांटेज यानी नुकसान के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो चलिए आइए एक एक करके जान लेते हैं। नंबर वन, जब भी हम किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं और अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन पहले से ही इस क्रैक सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं, और वो सारे के सारे एप्लीकेशन हमारे कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में अपने आप ही इंस्टॉल हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। जिसके बाद ये जो एप्लीकेशन होते हैं हमारे कंप्यूटर में ज़्यादा रैम और सीपीयू को यूज़ करते हैं, जिसके बाद हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम में या फिर कहें लैपटॉप, वो ज्यादा हैंग या फिर स्लो चलने लग जाता है और हमें लगता है कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं यही अनवांटेड जो फालतू के एप्लीकेशन होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल होते हैं, इन्हीं की वजह से हमारा सिस्टम हैंग करने लग जाता है। तो याद रहे, जब भी आप किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करें, लेकिन अगर करते हो तो आप इंस्टॉल करने के बाद अपने कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ पे जो भी एप्लीकेशन की लिस्ट होती है, फिर कहें सॉफ्टवेयर की लिस्ट होती है, वहाँ पे चेक कर ले कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं हो गया, जिसे आपने इंस्टॉल नहीं किया फिर भी वहाँ पर इंस्टॉल है। अगर है तो उसे आप वहाँ से जाके अनइंस्टॉल कर सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। नंबर टू, अगर आप इंटरनेट से किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल करते हो, तो ऐसे में 90% चांसेस हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस आ जाए। जी हाँ, ये जो क्रैक सॉफ्टवेयर होता है वो बेसिकली कोई प्रोग्रामर मॉडिफाई करता है या फिर कोई भी हैकर है उसे क्रैक करता है। अब ऐसे में वो जो हैकर है या फिर प्रोग्रामर है, उसमें किसी भी तरह के मलिशियस कोड को डाल सकता है, और जब आप उस सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल करते हो तो वही कोड आपके कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर सकता है, जिसके बाद जो हैकर है वो आपकी सारी डिटेल्स को चुरा सकता है, जो कि जो भी आपका डेटा है उसे हैक कर सकता है या फिर कहें डिलीट भी कर सकता है। तो ऐसे में ध्यान है, आप अगर किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको ये रिस्क झेलना पड़ सकता है। नंबर थ्री, ये जो प्रॉब्लम है एक कॉमन प्रॉब्लम है, और लगभग सभी लोगों ने जिन्होंने भी क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया होगा, उन्होंने कभी ना कभी इस प्रॉब्लम को ज़रूर फेस किया होगा। आपने देखा होगा, जब भी आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ब्राउजर है, चाहे वो गूगल क्रोम हो, फायरफॉक्स हो या फिर ओपेरा मिनी हो, तो उसका जो भी डिफॉल्ट होम पेज होता है वो अपने आप ही चेंज हो जाता है, यानी बदल जाता है, जबकि आपने उसे चेंज नहीं किया होता। तो अगर आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर के सेटिंग्स में जाके उस डिफॉल्ट होम पेज को बदलने की कोशिश करते हो, तो भी वो डिफॉल्ट होम पेज चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सब क्रैक सॉफ्टवेयर की वजह से ही होता है, मलिशियस कोड की वजह से ही होता है, जिसके बाद आप जितना भी कुछ करो कुछ बदलाव नहीं होता। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है, तो एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है मालवेयर बाइट्स, जिसकी मदद से फ्री ट्रायल है
उसकी मदद से आप इस तरह के जो भी प्रॉब्लम है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और अपने कंप्यूटर सिस्टम में फिर लैपटॉप में किसी भी तरह के वायरस है तो उसे आप आसानी से रिमूव कर सकते हो ट्रायल वर्जन में भी। नंबर 4, जब भी आप इंटरनेट से किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो बेसिकली आपको जिप फॉर्मेट में मिलते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये क्रैक सॉफ्टवेयर जो भी जिप फॉर्मेट में होते हैं उन्हें आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो वहां पर आपसे वो पासवर्ड मांगता है। उसके अलावा वहां पर आपको वो एक टेक्स्ट फाइल छोड़ देता है जिसमें आपको बताता है अगर आपको इसका पासवर्ड चाहिए तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो यहां पर आप उन सभी स्टेप्स को फॉलो कर देते हो तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो भी फाइल आपने डाउनलोड किया होता है वो ओरिजिनल फाइल या फिर कहे असली फाइल नहीं होता जो आप चाहते हो। कई बार हैकर या फिर कोई भी यूजर जिसने भी वो क्रैक फाइल डाला है उसमें जिप फाइल में बेसिकली कुछ भी उल्टा फुलटा फाइल डाल देता है और उसके बाद आपसे अपना काम करवा लेता है। तो ऐसे स्टेप्स को आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। कुछ तो ऐसे होते हैं पेमेंट भी मांगते हैं कि अगर आपको इसका जिप फॉर्मेट का या फिर जिप फाइल का पासवर्ड चाहिए तो ऐसे में आपको पेमेंट करना होगा। तो ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो नहीं करना चाहिए अगर आप किसी भी तरह का क्रैक सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करते हो और इसे इस्तेमाल करते हो। तो ऐसी बातों को आपको ध्यान में रखना है। नंबर 5, अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंपॉर्टेंट डेटा है, फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, कई सारे फोटोज वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में अगर आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी तरह के क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो भैया यहाँ पे हो जाओ सावधान। जी हाँ, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा है वो करप्ट हो सकता है, आपका जो हार्ड डिस्क है वो काम करना बंद हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जितने भी हम क्रैक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसमें कई बार मलिशियस कोड होता है जो हमारे हार्ड डिस्क पे सीधा अटैक करता है, जिसके बाद जो भी हमारा डेटा है वो करप्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। यही नहीं, इसके अलावा हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कई बार शॉर्टकट वायरस भी आ जाता है। तो अगर भैया ये एक बार शॉर्टकट वायरस आपके कंप्यूटर सिस्टम में आ गया तो उसके बाद आपका जो डेटा है वो पूरी तरह खराब हो जाता है। तो ऐसे में ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप किसी भी तरह का क्रैक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंपॉर्टेंट डेटा है तो पहले उस डेटा का किसी दूसरे सिस्टम में या फिर दूसरे हार्ड ड्राइव में या फिर किसी भी पेन ड्राइव में स्टोरेज डिवाइस में उसका बैकअप लेके रख लें, उसके बाद ही आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में भैया जो भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो भैया आपको ये रिस्क झेलना पड़ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कोई नुकसान पहुंचे इससे अच्छा यही है ना, थोड़े बहुत पैसे दे दो और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर लो। और अगर नहीं है आपके पास पैसे तो उसके कई सारे मार्केट में जो भी ऑल्टरनेटिव सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बराबर उसके जैसे सॉफ्टवेयर तो वो आपको इंटरनेट में कई सारे फ्री मिल जाते हैं, वो आप सर्च करके उन्हें इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्रैक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है भैया, आप यूज करो या मत करो। तो बस यार इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। और अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन पर जरूर दबाना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।